हरियाणा में प्रदेश भर में करीब 18,000 NHM कर्मचारी पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे हड़ताल पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन पूरा समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों को आज तक अनसुना किया हुआ है। तीज के त्योहार पर NHM महिला कर्मी भी हड़ताल पर बैठी हुई है। महिला कर्मियों ने कहा कि कोरोना के समय इसी सरकार ने कोरोना योद्धा बताकर सम्मान किया था, लेकिन आज हमारी मांगों को अनसुना कर सरकार हमें अपमानित कर रही है। उन्होंने कहा कि दो बार सरकार को उन्होंने कमल के फूल का बटन दबाकर चुना, लेकिन इस बार उन्हें मजबूरन इसके खिलाफ जाना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार समय रहते यह सोचे कि मांगों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। आज हमारा हड़ताल का 12वां दिन चल रहा है। सरकार हमारी सभी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारी दो ही मुख्य डिमांड है, एक तो सेवा सुरक्षा और एक 7वां पे कमीशन। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, सरकार की सारी मांगों को, सरकार की जो भी सेवाएं होती हैं उनको हम NHM कर्मचारी तन मन धन से पूरी करते हैं। कोरोना काल में सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर हमने देश सेवा की है। अब सारा काम सरकारी हॉस्पिटलों का ठप पड़ा है, एम्बुलेंस ड्राइवर बैठे हुए हैं, हमारी 58 कैटेगरियां हैं जो यहाँ बैठी हुई है, सारा काम ठप पड़ा है, पर सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि NHM कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। बार बार उनपे सहमति बनाए और हमें मजबूरन आगे हड़ताल बढ़ाने का मजबूर न करे, आगे हड़ताल बढ़ाने के लिए मजबूर न करे सरकार। सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं, जो विधानसभा चुनाव में सरकार अपना देख ले, हम 18,000 कर्मचारी हैं, फिर कई सरकार करे, हमें दो बार सरकार को फूल पे वोट दे के, मतलब कि सरकार की सहमति करके दो बार हमने सरकार को पूर्ण बहुमत से जिता दिया है, और अब सरकार अपने आगे का देख ले कि क्या रहेगा उनका। मैं श्याम शर्मा, महासचिव जिला रेवाड़ी NHM। मैं आपको आपके चैनल से सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि 18,000 कर्मचारी पूरे हरियाणा में 22 के 22 दिन स्ट्राइक बैठे हुए हैं, सारी सेवाएं ठप पड़ी है, ना एम्बुलेंस चल रही है, एक दो एम्बुलेंस जिनमें केस लाते भी हैं उसमें EMT नहीं होने की वजह से, हमारे रेवाड़ी जिले में भी कल एक ऐसे अनहोनी हुई, एक एक्सीडेंट केस था, उसको लाने के लिए एम्बुलेंस गई, ड्राइवर को इन्होंने अरेंज कर दिया, लेकिन उसमें कोई EMT नहीं होने की वजह से एक दो पेशेंट थे, एक रास्ते में ही एक्सपायर हो गया। सरकार को ये देखना चाहिए कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर EMT होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, उस जो जान गई है उसका सारा जो जाता है वो हरियाणा सरकार को ही जाता है, जो हमारी बातों को नहीं सुन रहे। आज कल तीज का त्योहार है, वैसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये किसी की बेटियां नहीं जो रोड पे बैठी हैं? और कल का जो त्योहार होगा तीज का, वो बेटियां यहीं बैठ के बनाएगी, और कल के त्योहार के लिए जो मेहंदी लगती है पहले दिन, आज हमारी सारी बहन बेटियां अपने हाथ पे NHM की मेहंदी लगा के, और हम उस चीज को सरकार के सामने लाने की कोशिश करेंगे। हमने सरकार से ये बार बार आग्रह किया है, 12 मीटिंग हमारी हो चुकी है, लेकिन हर बार हमारी विफल वार्ता हुई है, कभी भी सरकार ने हमारी बातों को सिरे चढ़ने नहीं दिया है, पूरे के पूरे हरियाणा जो है रोड पे बैठा हुआ है। और हम NHM के कर्मचारी पिछले काफी समय से हड़ताल कर रहे हैं, 12वां दिन है आज, और स्वास्थ्य सेवाएं सारी चरमराई हुई है, पेशेंट वेशन सब वापिस जा रहे हैं, उनको पूरी सुविधा नहीं मिल रही है। इस सब के लिए जो है सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, और हम सरकार से कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहे, हम वही मांगे मान रहे हैं जो कि बिल्कुल संवैधानिक है, क्योंकि समान काम समान वेतन, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो कर्मचारी कच्चे लगे हुए हैं और 25-25 साल से जो काम कर रखे हैं उनको आप लंबे टाइम तक कच्चे कर्मचारी नहीं रख सकते, आप उनको परमानेंट करना चाहिए, और ये सरकार की हर स्टेट की पॉलिसी है कि 10 साल पूरा होने के बाद में हर कर्मचारी को पक्का किया जाना चाहिए, और वो सरकार को करना चाहिए। सरकार जब आई थी तब सरकार के घोषणा पत्र में ये था कि भाई हम NHM कर्मचारी को पहली कलम से पक्का करेंगे, लेकिन उस बात को भी होते हुए आज 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब सरकार जाने वाली है, फिर भी वो हमारी मांगे नहीं मान रही है, तो इसलिए ये सब हमारा गुस्सा है कि आप हमें परमानेंट करें, हमें हमारी सेवा सुरक्षा वगैरह सारा दें, और हमारी सारी सुविधाएं प्रदान करी जाएं, जो भी हमारी जायज मांगे हैं वो पूरी करी जाएं,
अगर ये नहीं करते हैं तो हम आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होगी तब तक हम करेंगे और पूरा जोर शोर से करेंगे। और इसमें पूरा हरियाणा के जितने भी एनएचएम के कर्मचारी हैं 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में पूर्ण सफलता से स्ट्राइक हो रही है और ये काफी जोर शोर से चल रही है और आगे भी ऐसी चलेगी जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। हम 25 साल से काम कर रहे हैं, सेवा समाज दे रहे हैं और वो ही बेटिया है जो हमें पगड़ी पहना के कोरोना के टाइम हमें सम्मानित किया था, आज हमें रोड के ऊपर बैठाया जा रहा है। कम से कम हम कितना लंबे समय हम बड़ी मेहनत करते आ रहे हैं और हमारी मांगे पूरी होगी तब तक सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी तभी हम धरना को उठाएंगे, नहीं तो अनिश्चितकालीन हम धरना पे रहेंगे और त्योहार तीज कुछ भी आए हम यहीं पे मनाएंगे।